थाईलैंड के खाने दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। ये खाने में स्नैक, बिच्छू, मगरमच्छ, केकड़े सब खा जाते हैं। खोसान रोड सेंट्रल बैंकॉक में एक शॉर्ट सी स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट को 1982 में तामीर करवाया गया था। ये ग्रैंड पैलेस, जिसका जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है ये नॉर्थ में इस ग्रैंड पैलेस से। और इस जगह के बारे में अगर हम मतलब इंग्लिश में कहा जाता है अ प्लेस टू बी डिसअपीयर, सो यानी वो जगह जहां आदमी जाने के बाद गायब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मतलब सही कहा है जिसने भी कहा है ये। वैसे इसका इंग्लिश में मतलब है माइल्ड राइस। दरअसल ये जगह पहले चावलों की मंडी हुआ करती थी। इस जगह से इसका मतलब नाम खोसान रोड पड़ गया। ये स्ट्रीट अपनी नाइट लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। इस स्ट्रीट में आपको पब्स, होटल्स, स्पा, मसाज, फूड वेंडर्स, टैटूज और एक्सचेंज सब कुछ मिल जाएगा। शायद इसी वजह से इस जगह को मतलब यही वजह शाम में जो टूरिस्ट से भर जाती है, क्योंकि यहाँ की जो सर्विसेज है बाकी बैंकॉक के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल है। इस जगह का जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे आप यहाँ पर मतलब देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ मगरमच्छ को रोस्ट किया जा रहा है और ठीक इसी तरह के खाने बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लोग कीड़े मकोड़े, चूहे, मगरमच्छ बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। यहाँ शाम होते ही इन फूड वेंडर्स में अपनी जो इनकी जो चेयर्स होते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं और लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं कि आप हमारे होटल में तशरीफ लाएं। इनके होटल्स बाकी थाईलैंड के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल हैं। आप जब भी इस स्ट्रीट में आएं तो आप इस स्ट्रीट को मतलब लोगों से भरा हुआ पाएंगे। इसके अलावा स्ट्रीट में पब्स की भरमार है। लोग रात को यहाँ पर आकर पार्टी वगैरह करते हैं और दूसरी इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा, आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर बाहर मसाज करवा रहे होते हैं। थाईलैंड का जो मसाज है दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है और जो है ना खास करके गोरे इस मसाज को लेने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। ये अच्छा होता है या बुरा, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता। और जो है ना इस वक्त मैं जो खोसान स्ट्रीट पर हूं, इस जगह पर जो है ना जो टूरिस्ट हैं वो थाईलैंड के दूसरे आइलैंड या दूसरे शहरों में जाने के लिए इस जगह पर अपना सामान एक दिन पहले ड्रॉप कर सकते हैं। इस जगह से लोग थाईलैंड के दूसरे जो भी प्लेसेस हैं वहां की ये बुकिंग करवा सकते हैं। यहां से टूरिस्ट पैकेजेस लेते हैं। यहां काफी अफोर्डेबल जगह है, काफी सस्ती जगह है कि आप इतनी ज्यादा आपको रश नजर आ रहा है इस जगह पर, यही वजह है कि अफोर्डेबल है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, भूल गया कि थाईलैंड में हलाल फूड को काफी ज्यादा मसला होता है आपको रसाई, तो आप इसे 7-Eleven से खरीद सकते हैं। यहाँ आपको खाने हलाल फूड नजर आते हैं तो आप उसको थोड़ा ज्यादा बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हलाल फूड लेने में कुछ मसला आता है ताकि फिर आपको बाद में मसला ना आए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आज की वीडियो में थाईलैंड और बैंकॉक के बारे में। तो हलाल फूड यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे दूसरे लोग ज्यादा रहते हैं चाइनीज और ये लोगों का खाना हलाल नहीं होता, तो जो है ना मिल तो जाएगा आपको लेकिन आसानी से आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश यही कीजिएगा जहां पे भी आपको मिले तो आप थोड़ा सा वहां से इकट्ठा ले लीजिएगा या वो स्पॉट्स देख लें जहां पे आपको हलाल फूड मिलता हो। तो आप अगर नजदीक है तो बेशक आप स्टोर ना करें ताकि आपको जो है ना हलाल खाने तक रसाई आसानी से मिलती रहे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, निकलते हैं, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।